अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से पंजाब पहुंच चुके हैं, घर भी आ चुके हैं। खाना वाना खाया था, इतनी थकावट थी कि फिर हमने सो गई, बस अभी उठे हैं। और आज निकाह है, निकाह सेरेमनी है, पहले निकाह है, तो आप सब भी हमारे साथ रहिएगा। सब लोग आए चले, हम निकाह में चलते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या होगा। आए चलते हैं। जी तो हम अब जा रहे हैं निकाह के लिए। तो दूल्हा साहब आगे बैठे हुए हैं, हम सब पीछे बैठे हुए हैं। तो ये है एक मतलब सादा सा उन्होंने कहा है कि पहले आप लोग निकाह कर लें, क्योंकि दो बहनों की शादी है और इसीलिए कि दो बहनों का साथ नहीं निकाह करना है, आप लोग पहले आके निकाह कर लें। इसीलिए हम लोग ज़रा पहले जा रहे हैं आज खाली निकाह की रस्म के लिए। और लड़की को कुछ चीज़ें वगैरह भी देनी है, जैसे मायों का जोड़ा वगैरह, तो वो भी दे देंगे। देखें, सफ़र को एंजॉय करें आप। ये अब हम इंटर हो चुके हैं। थोड़ी वीडियो बना दे, चल रहे जी बेटे, कैसर अब्बास वाल हुसैन आपका गवाओं की इजाजत है, वकील बन के सीधा निकाह जारी कर दूँ। हाँ जी, आ गए जी। मोबाइल में दे रहा हूँ, मैंने भी दे रहा है कुछ चाहिए। इधर लाओ, मुझे दे दो ऊपर से। मैं एक मिनट, गुलाम से देखना बाद में, पहन के मैं तस्वीरें खींच के जी जरूर। ठीक हो गया जी। तो ये जी, अब निकाह सेरेमनी निकाह हो चुका था। तो हमने मैंने दूल्हा और दुल्हन को साथ बिठाया, मैंने कहा ये शरी हक है, आप दोनों साथ बैठिए। और बहुत ही मज़ा आया हमें, और ख़ास तौर पर स्पेशल थैंक्स जो है मेरा वो महजबीन इरम के लिए है और किरण के लिए भी है। उन्होंने ये वक्त को बहुत खूबसूरत बना दिया था हमारे लिए। और अब खाने का टाइम हो चुका है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था महजबीन ने, इरम ने और किरण ने। सबको बहुत शुक्रिया। और आप सबसे यही गुजारिश है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए। और मुझे आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।